सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी सर्च एंड बाय ऑर्डर टेक्निक टुडे, जिसको हम लोगों ने साबोस के नाम से पढ़ा था. सो व्हाट इज साबोस एग्जैक्टली? साबोस इज अ सेलिंग एंड ड्रिंकिंग टेक्निक व्हिच इज इन व्हिच द सेलर ट्राइज टू मैनिपुलेट सेल्स एंड रैंक्स अकॉर्डिंगली एंड ऑर्गेनिकली विदाउट गेटिंग नोटिस बाय अमेज़न. इसका बेसिकली जो मकसद है साबोस यूज करने का वो ये है कि अमेज़न में अपने आप को इस तरह से रैंक करना, अपनी रैंक को बढ़ाना और अपनी सेल्स को बढ़ाना बगैर पकड़े जाए. सो ओके, लेकिन साबोस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले यूआरएल्स को देखना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल यूआरएल्स में कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूआरएल जो कि एक प्रोडक्ट की है, तो Amazon की सारी URLs कुछ इसी तरह की नजर आती हैं, जिसमें आपको एक आपको ऐसे नंबर तक नजर आता है. इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द ऐसे नंबर एंड देन ये पूरी एक यहाँ तक की URL है. इसके अंदर ऐसे नंबर है आपका, आपका मेन एग्जैक्ट कीवर्ड है, एक चीज होती है QID और एक होता है SR, ये रैंक होता है. तो आपको ऑलरेडी एग्जैक्ट कीवर्ड और ऐसे नंबर तो पता है, बट व्हाट इज QID? QID का यहाँ पर साबोस यूज करने का मेन मकसद ये है कि QID चेंज करना. तो QID होती क्या है? QID इन Amazon URLs इज द सर्च टाइम स्टैम्प. सर्च टाइम स्टैम्प का मतलब है कि जब आप Amazon के किसी भी प्रोडक्ट को Amazon के आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं डायरेक्ट उसके सर्च पेज से जाकर, तो ये जो हमने QID देखी थी यहाँ पर, ये QID, ये ID चेंज हो जाती है. This ID should be changed each and every time. लेकिन जब आप अपने ज्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट का जो उनकी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई भी होती है वो उस प्रोडक्ट का मेन URL कस्टमर को दे देते हैं, ताकि वो कस्टमर जाकर डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट को खोले और उससे बाय कर ले. उससे क्या होता है, QID चेंज नहीं होती. जब QID चेंज नहीं होती Amazon उसको फॉरन डिटेक्ट कर लेता है. तो इसका इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें सर्वर्स की जरूरत होती है, सर्च एंड फाइंड ऑर्डर, सर्च एंड बाय ऑर्डर. तो इसमें अब हम देखते हैं कि सर्वर्स को हम इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि QID चेंज नहीं होती तो Amazon जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपकी जो आपकी प्रोफाइल या आपकी प्रोडक्ट है उसको फॉरन फ्लैग कर देता है और आपकी सेल्स जो है वो फिर मैन्युअली चेक हो रही होती है. सो बेसिकली Amazon को पता चल जाता है कि आप उसकी सेल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें हर हाल में फ्लैग होने से अवॉइड होना है. तो उसके लिए हम लोग जो है ये टेक्निक यूज करेंगे. किस तरह यूज करेंगे? अच्छा, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि फेल हो चुकी हैं Amazon के मामले में. स्टफिंग कीवर्ड्स, कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दें और आपकी आपकी आईडी के अंदर जो यूआरएल है आपकी, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स एंटर हो जाए, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है ज्यादातर. Then we have super URLs. Super URLs इस तरह से होता है कि seller gives the URL link with falsified keywords to all customers. मतलब इसमें negative keywords की marking हुई भी होती है. और इन URLs को include करके such URLs are detected and removed by Amazon. इस तरह के जो super URLs जो होती हैं, ये Amazon foreign detect कर सकता है और अपने logarithm के through Amazon जो है वो इनकी purchases को uncount कर देता है. मतलब आपकी परचेज तो होती है लेकिन वो अनकाउंट हो जाती है, तो आपका रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और सेलिंग में आपकी नाम नहीं आता. फिर है एक चीज होती है टू स्टेप यूआरएल जो है वो सुपर यूआरएल्स की तरह ही होती है. और जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कस्टमर्स जो सेलर है वो अपनी मेन आईडी का लिंक यूआरएल जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचे और उसको परचेज कर लें. तो ये टू स्टेप URL होती है. हमें इन तीन चीजों से बचना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे अब साबोस. इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है कि आप अपने कस्टमर, आपके जो लिस्टिंग प्रोवाइडर्स और प्रमोटर्स होते हैं,
आप उनसे बात करेंगे, आप उनको बोलेंगे आई नीड 5 सेबो ऑर्डर्स, तो उसमें वो क्या करेंगे, आप उनको एक लिंक भेजेंगे आपके मेन कीवर्ड की। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल पिज्जा पीले, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस कीवर्ड को टाइप किया Amazon के सर्च बार पे, टाइप किया कीवर्ड, बहुत सारे जो आपकी लिस्टिंग का पेज हो जाता है वो पूरा पेज आपका खुल जाता है, आपने वो वाला यूआरएल, वो यूआरएल आपने अपने कस्टमर को दिया, उसमें आपने आस्क देम टू सर्च द मेन कीवर्ड। हम उनको उनसे पूछेंगे, स्टेप नंबर 3 है, हम उनको पूछेंगे कि उनको मेन कीवर्ड दे देंगे, वो सर्च करेंगे उस पे Amazon के पेज पे जाकर और उनको बता देंगे कि हमारा हमारी जो प्रोडक्ट है वो Amazon के थर्ड पेज पे, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पेज पे सेकेंड रो में फोर्थ नंबर पे लिस्टेड है, वो जाएगा थर्ड पेज पे, जाएगा फोर्थ सेकेंड रो के फोर्थ प्रोडक्ट को क्लिक करेगा और वहां से परचेज करेगा। इस तरह से आपका क्यू आई डी चेंज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिकली बंदा वहां पहुंचा है सर्च करके, और इसी तरह आपका आपकी सेल भी हो गई, आपका रैंक भी आ गया, Amazon ने डिटेक्ट भी नहीं किया। This is how you are going to buy. You are going to use a search and buy order technique. You are always going to tell your customer that I need Sabo's orders. ठीक है? तो जितने 5 Sabo's orders, तो आपकी 5 QIDs अलग-अलग mention हो जाएंगी. इस तरह से आपकी QID हर बार change होगी. So that's it from my side. Do you have any questions? Any questions, class? Yes, ma'am. 5 भी ऑर्डर कर सकते हैं या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 1 by 1 करते हैं तो आप जो है वो आगे और भी मतलब दूसरे कस्टमर, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बंदे से तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो लिस्टिंग प्रोवाइडर को आपने जैसे अगर 5 कह दिया तो उसने अपने साथ अपना किसी और का 5 टाइम्स उसने वो क्यूआरटी के साथ आपकी प्रोडक्ट खोली, 5 टाइम्स उसको बाय कर दिया, फिर दूसरे बंदे से आपने कहा 5 टाइम्स, तो वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 5 बोल रहे हैं, 5 से ज्यादा बोल रहे हैं, 5 से कम बोल रहे हैं, बजटिंग पे हमारा यस चार्जेस लगेंगे, चार्जेस होते हैं चार्जेस वैसे कोई नहीं होती, मतलब ऑब्वियसली वो लिस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लिस्टिंग प्रोवाइडर को कितने पैसे दे रहे हैं, यू नो, वो कितना चार्ज कर रहा है आपसे, कस्टमर्स परचेस करेंगे 5 प्रोडक्ट वो पे, तो वो हमारे कस्टमर्स होंगे, वो हमारे कस्टमर्स होंगे ऑब्वियसली, प्रोडक्ट वापस मिलेगी नहीं,